नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 200 वन लाइनर हैं इस वीडियो में, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के ये वन लाइनर हर एग्ज़ाम का बैकबोन है। आप सभी को पता है बेसिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कम से कम 70 से 80% पूछे जाते हैं, 30 से 20% क्वेश्चन बस न्यू होते हैं। ओल्ड क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम की बैकबोन होते हैं, तो इनको तो आप अच्छे से करके ही रखिए। न्यूली क्वेश्चंस आपको नहीं पता है कौन से पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका रिजल्ट सीधा सीधा 50% नीचे आ जाता है। तो दोस्तों चेक करिए कि क्या ये बेसिक क्वेश्चन, जो कि 200 वन लाइनर के फॉर्मेट में मैं आपको लेकर के आया हूँ, इनमें से कम 150+ क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, वीडियो के अंत में अपने एक्सपीरियंस को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आप अगर शेयर करते हैं तो हमें उसके भी रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका गांधी फिल्म में निभाई थी। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है धनराज पिल्ले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं यूएनओ की सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठा शासक जो थे वो चौथ नामक कर अपने लिए लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाने वाला विटामिन है। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरपर्सन कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा रहता है? तो जिला परिषद जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर रहता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन जी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना के लिए नोबेल का पुरस्कार मिला था बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? तो श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मध्य प्रदेश, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी देहरादून में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम की जान, हर एग्जाम की शान। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, चीन जो है नाथुला दर्रा के उस पार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है?
तो वायुमंडल की सबसे निचली परत पृथ्वी के नजदीक क्षोभ मंडल है। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तो भारतीय सेना में उपस्थित विजयंत एक टैंक है, राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान जो है विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के बीच में कौन सा संबंध है? तो ये दोनों पिता और पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम राज्य जो है चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो भारत का दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। हॉकी के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो नील नदी के किनारे मिश्र की सभ्यता का विकास हुआ है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गया में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था प्रसिद्ध नाटक शकुंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार सबसे ऊंचा किस समय पर आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही दिशा की ओर हों तब ज्वार सबसे ऊंचा आता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो है भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, यमुना नदी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? तो भारत में कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, कोई विशेष धर्म नहीं है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किस किस को जोड़ता है? तो व्यापार केंद्रों को राज्यों की राजधानी से राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। कौन सा शहर भारत में अंगूरों की पैदावार के लिए जाना जाता है? तो नासिक जो है भारत में अंगूरों की पैदावार के लिए जाना जाता है। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर जो कि बर्फ का एक विशाल पिंड है कहाँ पर स्थित है? तो हिमानी ग्लेशियर हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांत्रित सेल है? ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा ये, संगमरमर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। सार्ग का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्ग का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका जाने के लिए स्वेज नहर के खुलने के बाद इस जगह का मार्ग जो है छोटा हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फुले इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी क्वेश्चन का सही उत्तर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो मार्च 1930 से अप्रैल 1930 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ियों के समीप है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। चंद्र ग्रहण होता है जब? तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो ब्रिटिश शासन के द्वारा मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो वायुसेना में सबसे छोटा कमीशन अधिकारी का पद पायलट ऑफिसर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट ऑफिसर होता है, सॉरी। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो परमवीर चक्र दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारण से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल की परत किस नाम से विदित है या किस नाम से जानी जाती है? तो उस मंडल को बहिर्मंडल कहते हैं, उस परत को बहिर्मंडल की परत कहते हैं। डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो डीसीएम ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह रखा कौन से वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर थे? तो अल्लाह रखा तबला बजाते थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो उसका नाम क्या था? तो हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता करता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, एलिफेंटा की गुफा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण अर्थात पत्थरों को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कौन सा है? तो एलोरा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर पत्थरों को काटकर बनाया गया है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग करते हुए प्रति एकड़ फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उपज बढ़ाना हरित क्रांति है। इन शॉर्ट, कृषि की उपज को ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करना हरित क्रांति का लक्ष्य है, कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, किसानों को कैसे फसलों को बढ़ाकर उत्पादित करा सकते हैं। भूक्षरण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो भूमि क्षरण को सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण, इन सभी के द्वारा रोका जा सकता है मिट्टी के कटाव को। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन में आता है? तो जम्मू और कश्मीर का रेलवे पथ जो है उत्तरी रेलवे जोन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। विख्यात महाकाव्य भारत महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेदव्यास जी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गीतांजलि के कवि कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के कवि हैं। किन दो स्थानों के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना में अधिकारी पद को जनरल के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? तो गुलमर्ग जो है जम्मू के, भारत के कश्मीर में है, माफ करिएगा। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 मीटर 6 इंच इस क्वेश्चन के लिए सेतु हो जाएगा, नैरो गेज की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान इस क्वेश्चन के लिए सेतु हो जाएगा। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जिसे सैल उद्यान भी कहते हैं किसने बनवाया था? तो नेकचंद के जी के द्वारा ये चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया गया है। जम्मू किस नदी के किनारे है? तो जम्मू जो है तवी नदी के किनारे है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। किस देश में सूची स्तंभ अर्थात पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। वर्ष
कौन सा था जिस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, तो 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। रेल पथ मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है, जैसा नाम वैसा गेज। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय देश कौन सा है, तो एशिया इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा पशु, तो जिराफ इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो तेंजिंग नॉर्गे इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कारगिल कस्बा कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है कारगिल कस्बा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, किस किस के बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अजमेर के सूफी संत से संबंधित है, तो अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी से संबंधित है। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, तो अकबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, तो वर्षा ऋतु में चलने वाली जो हवाएं होती हैं वे हवाएं मानसून हवाएं कहलाती हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए रूस में साइबेरिया पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। 1857 का विद्रोह क्या है, तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह 1857 के विद्रोह का एक प्रकार है, कारण है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय नेता को भारत का लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक किसकी स्मृति में समर्पित है, तो स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में कन्याकुमारी में उपस्थित सेल स्मारक समर्पित है। माओ त्से तुंग किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, अमृतसर में स्थित है, अमृतसर अमृतसर शहर में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था, तो अब्राहम लिंकन ने ये वचन कहे थे। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है बोध गया। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली, 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चाचा जी के नाम से किसे जानते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सरदार भगत सिंह जी के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया गया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं, तो बिहार से संबंधित हैं शत्रुघ्न सिन्हा। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं, हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण निकाय डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है, तो वाराणसी में स्थित है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, सिख धर्म के लोग मनाते हैं बैसाखी त्यौहार। शाहनामा किसकी कृति है, फिरदौसी की कृति है शाहनामा। मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था, तो 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है।
किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, बरौनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो जॉर्ज वॉशिंगटन क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं, तो अंजू बॉबी जॉर्ज एक एथलेटिक हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर पर विद्रोह किया था, तो ग्वालियर में विद्रोह तात्या टोपे के सहयोग से किया गया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी, रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर ए ओ ह्यूम इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजा गोपालाचारी क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ग्रामीण स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, तो रेशम का कीड़ा सहतूत की पत्तियां खाता है। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, लोथल इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चीन असम के किस दिशा में स्थित है, तो चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य है जो 7 अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो असम इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत कहां पर है, तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा पर्वत। सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया हुआ है ये। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय क्या है, तो मालीगांव पूर्वोत्तर रेलवे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो घरेलू उपयोग में जो चीनी हम उपयोग करते हैं उसमें सुक्रोज मिलता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टॉलस्टॉय पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है, तो प्रदीप जी ने ये गीत लिखा है। वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का कौन सा पैमाना है, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो अमीबा में एक कोशिका होती है, इसीलिए अमीबा एक कोशिक जीव है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो मालीगांव इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो फ्रियॉन गैस प्रयुक्त की जाती है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आत्माराम शर्मा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत में राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, तो बांग्लादेश इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं, तो नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगने पर क्या होता है उसके भार में, तो भार जो है बढ़ जाता है जंग लगने पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली असम के जिले में है, असम के पातालपुरी जिले में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी नदी पर होगा। कौन से नदी के द्वीप में है ये नदी द्वीप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो स्टील इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की पुण्यभूमि भारत
कि किस राज्य को कहते हैं, तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वाई वी चौहान महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री की बात हो रही है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है नागरहोल पार्क नेशनल पार्क। भारत में फिल्म और टेलीविज़न निर्माण संस्थान कहाँ पर है, तो पुणे में स्थित है। टेस्ट क्रिकेट में पहला त्रिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो वीरेंद्र सहवाग क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। पानी की बूंदें गोल होने का कारण क्या है, प्रश्न तनाव इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे शुद्ध जल कौन सा जल होता है, सरप्राइज क्वेश्चन, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रोज़ आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो प्रोवाइड करते हैं हर दिन। इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक के वीडियो आपको पर डे मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।